आ जाइए आ जाइए। मेरे पास आके गया, बिल्कुल मेरे पास आके गया, पर मैं वीडियो शूट कर रही थी, ऐसा करके गया। ओह माय गॉड, अच्छा बाघ, ये देखिए फ्रेंड्स, जंगल का राजा शेर, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ दिख रही है, सब एक्साइटेड होके देख रहे हैं। यहाँ कांच लगा हुआ है, यहाँ से दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ भी नहीं दिख रहा शायद आगे। शेर को देखने के लिए लोग कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, देखिए बाप रे क्या भीड़ लगी हुई है, मतलब टाइगर टाइगर टाइगर, और टाइगर एक बार करेगा तो सब डर जाएंगे। बहुत भीड़ है टाइगर को देखने के लिए, किंग ऑफ द जंगल को देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन जंगल का राजा अभी कहीं आराम कर रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आओ आगे चलते हैं, मुझे लग रहा है पानी में है। ये देखिए फ्रेंड्स पानी है यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, भीड़ बहुत है। अरे चला चला चला, ये जा रहा है, ये जा रहा है, फाइनली दिख गए। गॉड, हाँ ये देखो, ये ला मैं दिखाऊं, गए परेशान होके सबसे, मोबाइल निकालो, गए। ये देखिए फ्रेंड जंगल का राजा कैसे घूम रहा है। हाँ
भीड़ उमड़ी पड़ी है और ये पूरा मस्त वॉक कर रहे हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से नहीं वहाँ से कम आपको दिखा सकूँ। भीड़ बहुत भयंकर है इतनी गर्मी में और वो भी इतनी भीड़। मुझे लग रहा है वहाँ पानी है तो वो पानी के लिए गए हुए हैं। ऑसम, मेरी हिम्मत नहीं उधर जाने की, इतनी भीड़ है। अच्छा हाँ वहाँ 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 उधर ट्राई करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जंगल का राजा कैसे घूम रहा है। आ जाइए आ जाइए। मैं मोबाइल पकड़े ही रह गई और मैं शूट करना ही भूल गई। हेलो चलो अब चलते हैं और सबको देखने देते हैं। अभी फिर आया उधर क्या मस्त एकदम रियली, मतलब देख के ना मजा आ गया। अभी भी जाने का मन नहीं हो रहा है, मन हो रहा है फिर जाके देखूं। ये आया फिर आया, अभी भी वही घूम रहा है। आके चलो थोड़ा सांस तो ले लूं।
वाह, बंद कर दो, अभी थोड़ी देर के बाद मैं कनेक्ट होती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है टाइगर्स के लिए, टेक अ पॉज एंड थिंक। तो ये जो बात लिखी है ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आज जितना मैं क्रेज़ी हो रही हूँ इतने लोग क्रेज़ी हो रहे हैं टाइगर के लिए, तो उनको सेव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसी चीज़ें हमारे भारत की शान है और हमें उसके लिए डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए और हमें टाइगर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और टाइगर को बहुत ही ज़्यादा बचाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि कुछ उनका डेथ रेट था, तो मुझे बहुत दुख लगा सुन के, क्योंकि रियली मतलब एक टची सा फील होता है। और आज जो मैंने महसूस किया इतने पास से, जब मैंने देखा, मैं भी बच्चों की तरह एकदम उछल के हंसने लगी। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। बच्चे भी कितने खुश हो रहे हैं, आके देख रहे हैं। ऐसे तो हम कहीं रियल में टाइगर के सामने नहीं जा सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ के साथ उनको रखा गया है, लोग आते हैं देखते हैं और वो भी कितने अच्छे से वॉक करके घूम रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों को टाइगर्स के लिए करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, उनके प्रोटेक्शन में करना चाहिए और ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि कहीं भी उनको कोई मारे नहीं, कहीं भी उनको कोई परेशान ना करे। और ऐसे ही हम हमारा साथ दें वो, और हम इंजॉय करें उनके साथ को। चलिए अब आगे भी हम लोग कुछ और देखते हैं, बट मज़ा आया। थोड़ी देर के लिए तो मेरी ब्रीदिंग ऐसे एकदम ऐसे हो गई थी, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने पास से मैं टाइगर को देख रही हूँ। एक कांच का फ़र्क था और मेरा हाथ ऐसे था। रियली मतलब ऑसम फीलिंग, इससे बड़ी फीलिंग, इससे अच्छी फीलिंग और कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी बस हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे क्रिएचर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करिए, उनको बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि जनजीवन अच्छे से रहेगा, ये क्रिएचर अच्छे से रहेंगे, हरियाली अच्छी रहेगी, तो डेफिनेटली हम लोग भी अच्छे ही अच्छे रहेंगे। Privilege to see wildlife, and if you get a chance to see them closely, it means your luck is on the heights. I can't even express my actual feeling when I got the Royal Bengal tiger right in front of me. When he passed completely in front of me, then I realized that what happened exactly. Oh my God! I stopped breathing and my goosebumps. Will we really be able to see these wildlife in the coming days? Tiger is our national animal. All of us are aware the number of this royal animal is decreasing day by day. So this is our moral duty and responsibility to do something towards saving this vanishing royal animal. Please save the forest and save the tiger. Thank you so much.